हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। सर, तो मेरा नाम डॉक्टर अनुषा है और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि दांत निकलवाने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दांत निकलवा लेते हैं हम, हमें ये नहीं पता होता है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपने जो एक्सट्रैक्शन साइट है उसका ध्यान रखना है। अगर इससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो है एक्सट्रैक्शन साइट जो होता है हमारा, उसका हमें ध्यान क्यों रखना है। सबसे पहले ध्यान क्यों रखना है जानेंगे तो फिर आप ये भी समझ पाएंगे कि ये चीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि दांत निकालने के बाद जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होता है जब भी आपका दांत निकला, एक्सट्रैक्शन साइट जो होता है उसमें जो भी अपनी फूड डेब्रीज होती हैं, खाने की डेब्रीज होती हैं, वो एक्यूमलेट हो जाता है और बाद में वो इन्फेक्शन करता है। ठीक है, या फिर ड्राई सॉकेट हो सकता है आपको। ड्राई सॉकेट क्या है? जब घाव अच्छी तरह से भरता नहीं है तो जो एक्सट्रैक्शन साइट है वो सूख जाता है, इसको ड्राई सॉकेट भी बोलते हैं हम। तो चलिए अब हम जानते हैं आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपका जो डेंटिस्ट होता है वो आपका दांत निकालता है तो जो एक्सट्रैक्शन साइट होता है वहाँ पर एक कॉटन रोल रखते हैं हम और उसमें बीटाडिन जो मेडिसिन होता है वो लगाकर रखा जाता है। तो उस रुई को आपको मुंह बंद करके रखना है और जब तक आपके डेंटिस्ट ने बोला है तब तक उस रुई को आपको फेंकना नहीं है। ठीक है, अगर आधे घंटे बोला है डेंटिस्ट ने तो आधे घंटे तक रखिए, एक घंटे बोला है तो एक घंटे तक उस रुई को मुँह में दबा कर रखना है, उसको फेंकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपको थूक आ रहा है मुँह में तो बार बार आपको थूकना नहीं है, जो भी थूक आ रहा है अंदर ले लीजिए, कुछ टाइम की बात है, वो मेडिसिन है, आपका ही खून है। ठीक है, उसको आप बार बार थूकेंगे तो जो अपना एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ से जो भी ब्लड क्लॉट हो रहा है वो भी निकलेगा साथ में, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर हीलिंग के लिए क्या चाहिए, क्या चीज़ है कि ब्लड क्लॉट अच्छे से बन जाए, तो उसके लिए आपको जो है कॉटन को अच्छे से मुंह में दबा के रखिए, आधे घंटे अगर बोला है आधे घंटे, एक घंटे बोला है तो एक घंटे तक। उसके बाद आप कॉटन को निकाल लीजिए। कॉटन को निकालने के बाद हम बोलते हैं एक कप आइसक्रीम खाइएगा, उसमें भी आपको कप वाली ही आइसक्रीम लेनी है। आपको जो स्टिक वाली आइसक्रीम्स होती हैं, स्टिक्स वाली आइसक्रीम्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अच्छा, तो मैंने आपको ठंडी चीज़ लेने के लिए तो बोला है कि आप आइसक्रीम ले सकते हो, आप जूस भी ले सकते हो, बट आपको अवॉइड करना है, आपको ये स्ट्रॉ नहीं लेना है, स्ट्रॉ यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल ग्लास में ले लीजिए, ग्लास में लेकर आप ठंडा जूस पी लीजिए। आपको 24 घंटे तक ध्यान रखना है कि आप कम से कम गर्म चीज़ खाएं। गर्म चीज़ वैसे तो खानी ही नहीं है आपको, बट मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स तक आपको जो है ठंडी चीज़ खानी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको खाने में क्या खाना है। तो खाने में आप खा सकते हो दलिया की खिचड़ी खा सकते हो। ठीक है, जो अपना वेजिटेबल दलिया होता है उसकी खिचड़ी बना के आप खा सकते हो, उसको आराम से ठंडा करके खाइएगा। दूसरा चीज़, आप अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप मीठा दलिया भी खा सकते हैं। इसके बाद हम जो है मिल्क ले सकते हैं, दूध ले लीजिए, उसमें ब्रेड तोड़कर डाल लीजिए। जब वो अच्छे से सोक कर जाएगा ब्रेड तो आप वो दूध ब्रेड भी खा सकते हैं। अब आपने खाना का पूछ लिया, खाना खाना है या नहीं, आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान से खानी है वो है मेडिसिन। क्योंकि जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है, जब दांत निकाला जाता है तो आपको इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन का असर जैसे ही ख़त्म होता है आपको पेन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने थोड़ा खाना खा लिया आप उसके बाद मेडिसिन ज़रूर याद से लीजिएगा। अगर तो आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो प्लीज़ इस कम से कम 1 week to 2 week ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अवॉइड कीजिएगा।
काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी होता है कि हमें ब्रश करना है या नहीं करना है। आप ब्रश कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ब्रश करने में। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन साइट है जहाँ से दांत निकला हुआ है, वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए, वहाँ पे आप ब्रशिंग मत कीजिए। बाकी आप सारे टूथ पे ब्रशिंग नॉर्मली कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली करना है कि आपका जैसे 24 to 48 hours मतलब 1 से 2 दिन हो जाता है, उसके बाद आप हल्का लूकवॉर्म वाटर, हल्का कोसा पानी ले लीजिए और उसमें जो है नमक डालें, और नमक डाल के आप जो है माउथ को रिंस करें। जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हो गए, लिस्ट्रीन हो गया, हम माउथ रिंस करते हैं, तो माउथ रिंस भी हमें 24 hours तक थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके अलावा आप क्या क्या करेंगे, आप अगर बहुत स्टेनियस वर्क करते हैं, जैसे काफ़ी टाइम तक खड़े रहना है, कुछ भारी चीज़ उठाना है, तब कोशिश कीजिए एक दो दिन तक, जब तक आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है उस दिन से लेकर 1-2 दिन तक जो है काफ़ी स्टेनियस वर्क ना करें, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि फैटीग के चांसेस रहते हैं, आपको फैटीगनेस लगती है, टायर्डनेस लगती है, तो वो चीज़ ना करें। 2 दिन तक थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, उसके बाद आप आगे अपना जो है काम करना रिज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको खाने में जो है एक स्टिकी चीज़ अवॉइड करना है, जैसे मैगी हो गया, काफ़ी चिपचिपा टाइप का चीज़ हो गया, गम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें भी आप अवॉइड कीजिएगा 1-2 दिन तक। अब जैसे दांत निकल गया, आप 2 to 3 hours तक जो है सोचते हैं चलिए हम रेस्ट कर लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 to 3 hours तक आपको लेटना भी नहीं है, आप एक नैप जो लेते हैं वो नैप भी नहीं लेना है आपको, ठीक है। और जब आप लेटते हैं तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मेरे इस तरफ का दांत निकला है तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरफ करवट लेके ना सोए, उसके अपोजिट साइड में आप करवट लेके आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अगर आप सोते हो तो कभी कभी उस साइड में स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए उस साइड में, जिस साइड में आपका एक्सट्रैक्शन साइट है जहाँ से दांत निकला है, उस साइड में हम सोने के लिए, करवट लेके सोने के लिए अवॉइड करते हैं। एक चीज़ जो हम और करते हैं कि हमारा दांत निकल गया है तो हम एक छोटा सा मिरर ले लेते हैं, मिरर से हम उस एक्सट्रैक्शन साइट को देखते रहते हैं कि अरे वो हील हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ जो भी हमारा घाव है वो भरा है या नहीं भरा है, वो हम देखते रहते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको अगर कुछ लग रहा है, डाउट लग रहा है, पेन है, कुछ भी है, तो आप जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर आप उसको पोक करेंगे, आप अगर कोई भी सीख से लेकर उसको खोदने की कोशिश करेंगे, तो जो आपका हीलिंग हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, आपको पेन भी उस चीज़ से इंक्रीज़ हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उन्हें ये चीज़ देखने दें। अगर आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है, मतलब अगर आपका लोअर या अपर 8 निकाला हुआ है, जो लास्ट मोलर है वो निकाला गया है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप अगर आपको पेन हो रहा है तो कोई भी बाम लोशन मत लगाइए। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, अनबियरेबल होता है, तो आप जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। और मोस्टली सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और 8 वाला जो भी अपना केस होता है, उसमें आपका स्वेलिंग आता ही है, तो उस चीज़ से आप घबराइए मत, अपने डेंटिस्ट को एक बार जाके ज़रूर दिखवाइएगा। और अगर आपकी स्टिचेस लगी हुई हैं, तो जब भी आपके डॉक्टर ने बोला है स्टिचेस हटवाने के लिए, कटवाने के लिए, तो आप तब जाके स्टिचेस कटवा लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने ही हिसाब से जाते हैं डेंटिस्ट के पास में, तो जो अप्रोप्रिएट टाइम बताया गया है आपको स्टिचेस हटवाने के लिए, कटवाने के लिए, तो आप उसी समय जाइएगा डेंटिस्ट के पास में और स्टिचेस कटवा लीजिएगा। बट हाँ, अगर बीच में आपको पेन है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट से जाके ज़रूर मिलेगा, वो उसका कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।